उत्तराखंड में 2022 चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। चंपावत विधानसभा 55 के प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी प्रचंड प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। आपको बता दें, कैलाश गहतोड़ी ने डोर टू डोर कैंपेन कर जनता से संपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी ने वार्ड संख्या 4, 5, 6, 9 में डोर टू डोर कैंपेन कर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने हर तबके का विकास किया है। कोरोना काल के चलते राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन के साथ सरकार के द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने लोगों से विनम्र अपील करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में सियासी समीकरण काफ़ी बदलते दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए चंपावत विधानसभा की, तो कैलाश गहतोड़ी सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। 5 साल तक जनता के बीच में लगातार बने रहे विधायक, उनकी समस्याओं का निवारण करने वाले कैलाश गहतोड़ी का समर्थन जनता कर रही है, ऐसा क्षेत्रीय जनता का कहना है। साथ ही जनता कह रही है, 5 साल तक जिसने मदद की, हम उसकी मदद चुनाव में करेंगे, ऐसा राजनीतिक पंडितों का भी मानना है। कैलाश गहतोड़ी वर्तमान समय में सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे तो चुनाव मैदान में कई दावेदार उतरे हुए हैं, लेकिन चुनावी समीकरण की बात की जाए, चुनावी आंकड़ों की बात की जाए, तो कैलाश गहतोड़ी के पीछे काफ़ी जनसमर्थन दिखाई देता है। फिलहाल कैलाश गहतोड़ी के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान हरीश भट्ट, किरण देवी, दीपक पाठक, सौरभ गुप्ता, अजीत सिंह समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे।